आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाए जाने के बाद अब सियासी गलियारों में बयानबाजी का सिलसिला तेज हो गया है। समाजवादी पार्टी की तरफ से आज इसको लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई, जिसमें समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि आजम खान साहब समाजवादी पार्टी के ही नहीं देश के बड़े नेता हैं। उनकी सुरक्षा हटाए जाने का सीधा मतलब उनकी जान को खतरे में डालना है। साथ ही उन्होंने कहा, इस देश की सेवा में जिन लोगों ने भी योगदान किया है उनकी सुरक्षा की गारंटी हम चाहते हैं। बीजेपी जानबूझकर आजम खान को मानसिक शारीरिक तौर पर प्रताड़ित कर रही है। समाजवादी पार्टी इसकी तीव्र निंदा करती है। देखिए, मोहम्मद आजम साहब इस समाजवादी पार्टी के ही नहीं देश के बड़े नेता हैं, और मोहम्मद आजम साहब की सुरक्षा हटाया जाना उनके जीवन को खतरे में डालना है। समाजवादी पार्टी इस देश के जो भी समाज सेवा में, राजनीतिक सेवा में या किसी भी तरीके के सेवा में लोग रहें, उनके जीवन की गारंटी चाहती है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके, भेदभाव करके मोहम्मद आजम साहब को लगातार मानसिक, आर्थिक, शारीरिक परेशानी दे रही है, जो समाजवादी पार्टी इसकी तीव्र निंदा करती है। बता दें कि पुलिस द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक आजम खान को वाई श्रेणी की सुरक्षा दिए जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। आजम खान की वाई श्रेणी की सुरक्षा हटाए जाने के बाद अब उनके परिवार के किसी भी सदस्य के पास कोई सुरक्षा नहीं रह गई है। वहीं जानकारी के मुताबिक उनके सुरक्षा कर्मियों ने गुरुवार को पुलिस लाइन में आमद दर्ज कर दी है। मोहम्मद आजम साहब इस देश के बड़े नेता हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं, अनेक बार वो MLA रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे, और जानबूझ करके BJP द्वारा उनको परेशान किया जा रहा है। जानबूझ कर उनको मानसिक, वैचारिक, आर्थिक हर तरीके का नुकसान दिया जा रहा है, जिसका समाजवादी पार्टी पुरजोर विरोध करती है। उनके जीवन की गारंटी चाहती है, उनको सुरक्षा चाहती है, उनकी सुरक्षा हटा करके गलत काम किया है, उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। इसको लेकर सपा क्या कुछ आगे क्या कदम रहेगा सपा का? अभी हमने आपसे ये बता दिया ना, कदम तो हमारा ये है, डिमांड करना, जो लोकतंत्र में तरीका है मांग करना, वो मांग कर रहे हैं आपके माध्यम से। समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल जी, जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये जो आजम खान के साथ हुआ है ये साफ तौर पे गलत है, इसको लेकर सपा लगातार आवाज उठाती रहेगी। कैमरा पर्सन आयुष के साथ आशीष मिश्रा।